नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, न्यूमेरिकल प्रश्नों की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और एक एक करके आपको सभी न्यूमेरिकल्स जो है हम प्रोवाइड करवाते आए। प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सीक्वेंस वाइज आप इसे देख सकते हैं। 1 से 45 तक सभी वीडियो लगातार मिल जाएंगे। सभी वीडियो को देखें ताकि आपको सारी तरह के सवाल समझने को मिले। मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं प्रश्न को रिपीट ना करूं, इसलिए आप उनको देखें ताकि आपको उनमें भी नए क्वेश्चन मिले। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। ऐप में हर मंडे प्रैक्टिस टेस्ट होता है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेड कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। पूरे भारत में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वो कोर्स बड़ा सपोर्टिव रहेगा। आई होप काफ़ी कुछ आपको उसमें सीखने को मिलेगा। आइए ज़रा आज की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज़ में भी काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने, और पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। वीडियो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दिया करें। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं, और हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ ताकि अपनी थोड़ी समय की बचत हो जाए और हम पूरे प्रश्न को बोर्ड से अच्छे से पढ़ पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। चलिए दोस्तों, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है वो कि आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक सोर्स के साथ लोड जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और एक डायोड लगा हुआ है जो उसको सप्लाई दे रहा है, और हमें इस परिपथ की IL यानी लोड करंट की गणना करनी है। समझ गए होंगे सारे। देखो, प्रश्न में सिर्फ इतना लिखा है कि भार धारा की गणना करें। यहाँ मैं आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यदि वो आपको शर्त दे दे कि आदर्श डायोड है, तो ध्यान रखिएगा, आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध 0 माना जाता है, इसलिए वो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करवाएगा। अगर इस क्वेश्चन की तरह आपको सीधा सवाल दे दे, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि डायोड में पोटेंशियल ड्रॉप भी माना जाएगा। सिलिकॉन का दिया हुआ है, हम सब जानते हैं कि सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट ड्रॉप होते हैं, है ना। लोड की धारा IL ज्ञात करनी है, फॉर्मूला बनेगा V/RL। RL का मान देखो 10 ओम सीधा दिया हुआ है, V का नहीं पता, 10 वोल्ट नहीं माननी है। 10 वोल्ट यहाँ से थे, 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो गया, हमारे लोड को वोल्टेज कितनी मिली है, 9.3 वोल्ट। तो 9.3 और उसमें भाग देना है 10 का, उत्तर आ जाएगा 0.93 एम्पियर। बताओ बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन हो गया ना, एक नंबर सवाल था। अब मान लो इसी में वो आपको ये कह देता कि डायोड सिलिकॉन की बजाय जर्मेनियम का है, ये लिख देता, तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा जब वो आपसे जर्मेनियम के बारे में कहे। जैसा कि अपन ने क्या किया है, सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट माना है, तो जर्मेनियम में 0.1 से 0.2 होता है, सॉरी 0.1 से 0.3 वोल्ट के आसपास होता है। तो जब भी प्रैक्टिकली मानने की बात आ जाए, तो 0.3 वोल्ट आपको जर्मेनियम का ड्रॉप मानना है। पेपर में 2-3 इसके सवाल आ चुके हैं, इसलिए वही मानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लोड को फिर वोल्टेज कितनी मिलती, 10 माइनस 0.3 करो, 9.7 वोल्ट मिलती। बस अब कर दो कैलकुलेशन, 9.7 बटे 10 यानी 0.97 एम्पियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? ये हो गए अपने 2 क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन में ही, है ना। अब इसी में 2 क्वेश्चन और बताता हूँ। जब पेपर में शब्द दे दे कि दिए गए परिपथ में IL की गणना कीजिए जब डायोड आइडियल हो यानी आदर्श हो। देखो भैया, जब डायोड आदर्श है तो ये कोई मैटर नहीं रखता
कि वो सिलिकॉन है या जर्मेनियम, क्योंकि आदर्श डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध हम जीरो मानते हैं और ऐसे में इसकी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं माननी। हमारे लोड को पूरी वोल्टेज 10 मिलेगी, लोड का रेजिस्टेंस 10 ओम है, 1 एम्पीयर करंट उत्तर होगा, चाहे सिलिकॉन का डायोड हो चाहे जर्मेनियम का डायोड हो, आपको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। बताओ आज के 3 प्रश्न अभी तक यहाँ तक के समझ आए क्या? जब आदर्श शब्द ना देवे तो ये ध्यान रखना है डायोड कौन सा है, उसकी ड्रॉप घटाओ, लोड को ये मिलती है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आया तो आप कर दोगे ना। अब देखो इसी में मैं आपको और बताता हूँ 2-3 क्वेश्चन जो मैंने अभी वहाँ से बताए हैं। एक बार क्या किया कि अभी रिसेंट अपने UPPCL में भी इस तरह का आया ही था। क्वेश्चन नंबर 3 अपना वो हो गया कि जब डायोड आदर्श हो तब क्या मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ वो क्या कर रहा है, हमें 2 डायोड जोड़ते हुए दिखा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, एक ये दिखा रहा है और दूसरा यूं दिखा रहा है, ऐसे 2 डायोड दिखा रहा है, ठीक है, और ये डायग्राम बना रहे, ठीक है, डायोड पूरा डार्क होता है ना अंदर से, तो पूरा डार्क ही बनाना है। इसके ऊपर लिखा हुआ है सिलिकॉन, इसके ऊपर लिखा हुआ है जर्मेनियम। सवाल पूछा गया कि लोड प्रतिरोध को मिलने वाली वोल्टेज का मान बताइए, यानी नंबर 4 कह रहा है कि आपको जो एक डायग्राम दिखाया गया है इसमें लोड को कितने वोल्ट मिल रहे होंगे बताइए, तो कौन सा बताओगे बताओ, सिलिकॉन वाली पोटेंशियल माइनस करोगे कि जर्मेनियम वाली। देखो 2 पैरेलल रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, अभी दोनों ही क्या है एक तरह से ओपन है क्योंकि बैरियर पोटेंशियल आया नहीं, बैरियर टूटा नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर समांतर में मान लो मैं इसको डायोड ना बता करके आपको 2 स्विच बताऊं, तो एक बात बताइए, मान लीजिए ये प्लस ये माइनस, इस लैंप को ऑन करने के लिए क्या दोनों स्विच को ऑन करना जरूरी है? नहीं, तो क्या जरूरी है? दोनों में से कोई एक ऑन होना जरूरी है। मान लो कि अगर ये लैंप स्विच ऑन हो जाए तो हमारा तो काम हो गया ना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ना, धारा चलने लग गई ना, यानी धारा के लिए आवश्यक वोल्टेज का मान उसने पूछा जिस पर वो चल जाए। देखो जर्मेनियम वाला यानी यहाँ वोल्टेज इंक्रीज होते जा रहे हैं, 0.1 वोल्ट आया, मान लेते हैं दोनों ने ही धारा चलना शुरू नहीं किया था, 0.2 वोल्ट आया तब भी दोनों ने धारा चलना शुरू नहीं किया, लेकिन जैसे मान लो 0.3 वोल्ट आया तो जर्मेनियम ने धारा चलाना शुरू कर दिया कि नहीं, अब हमें फिर सिलिकॉन वाले की ज़रूरत नहीं है, यानी 0.7 वोल्ट तक लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा जब भी आए आपको मिनिमम ड्रॉप जो है उसको माइनस करना है, 10 वोल्ट में से 0.3 माइनस कर देना, 9.7 वोल्ट इस लोड को मिलेंगे, ये उत्तर कर देना, आपका सवाल हो जाएगा। बताइए माय डियर, यहाँ तक के डायोड वाले इसी डायग्राम पर आधारित 4 से 5 प्रश्न आई होप आपको समझ आए होंगे। चलिए दोस्तों अगले कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक डेटा दिया हुआ है और इससे 4 प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैं एक एक करके आपको चारों क्वेश्चन बताता हूँ, फिर चारों का यहीं आपको सीक्वेंस वाइज उत्तर बताऊंगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बन सकती है, सबसे पहले कह रहा है कि धारा का मैक्सिमम मान 10 एम्पियर है, पीक वैल्यू लिख सकता है, अधिकतम मान लिख सकता है, और जैसा कि इसमें उसने मैक्सिमम लिखा है मान लेते हैं। अब सवाल देखो, 4 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक ही चीज़ देकर के आपसे 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सवाल पूछेगा कि यदि परिपथ में PMMC मीटर संयोजित हो, मैं इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, यदि परिपथ में PMMC एमीटर संयोजित है तो धारा का मान बताइए कितना है।
देखो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का जब भी सवाल दे, आपको ये समझना है कि वो IDC का मान पूछ रहा है, यानी DC करंट ज्ञात करना है। अगर वो आपसे ये कहे कि परिपथ में AC मीटर जुड़ा हुआ है या इंडक्शन एम्पियर मीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तब आपसे वो धारा के RMS मान की गणना करवा रहा है, ये ध्यान रखना। अगर साफ साफ ही दे दे कि IDC का मान ज्ञात कीजिए, साफ साफ ही दे दे कि IRMS का मान बताइए, तब तो आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मीटर का दे दे वे, तो पूरी लैंग्वेज सुन लो। हाफ प्योर रेक्टिफायर में धारा का अधिकतम मान 10 एम्पियर है, परिपथ में एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार का एमीटर जुड़ा हुआ है, इसमें धारा की गणना कीजिए। यानी वो आपसे क्या पूछ रहा है, DC धारा का मान पूछ रहा है और धारा का RMS मान। तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, जब IDC का मान ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है I मैक्सिमम बटा पाई, ठीक है, यानी जो अधिकतम धारा आपको दिया हुआ है उसमें पाई का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। यदि IRMS की गणना करने की बात आ जाए तो इस I मैक्सिमम में आप 2 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ना। जब यही सवाल सेम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आ जाए तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर वाले का 2 गुना होता है। I मैक्सिमम बटा पाई है, I मैक्सिमम बटा पाई है, जो भी आएगा इसको 2 गुना करना है या फिर 2 मैक्सिमम कर दो, पहले से ही बात एक ही है। और जो RMS मान वाला है इसमें आपका I मैक्सिमम बटा 2 है, इसकी जगह आपको I मैक्सिमम बटा √2 करना है। बताओ बात समझ में आई क्या? 4 सवाल हो गए, अब तो मान रखना है, हल करना है। देखो कैसे, DC धारा ज्ञात करनी है, मैक्सिमम धारा में पाई का भाग दे दो, 10 में 3.14 का भाग दे दो, ठीक है, कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना, लगभग 3.18 एम्पियर के आसपास आएगा। आप कैलकुलेशन करके मिलान जरूर करना, ये मैं केवल मान बता रहा हूँ। जब IRMS की बात आ जाए तो 10/2 करो, 5 एम्पियर आएगा। बताओ हाफ वेव के 2 क्वेश्चन समझ में आ गए क्या? तो अब फुल वेव रेक्टिफायर पर आ जाओ। फुल वेव रेक्टिफायर में I मैक्सिमम बटा पाई करके 2 से करोगे, 3.18 को 2 से कर दो, यानी 6.36 आ जाएगा। ठीक बात है ना, अब कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ध्यान रखना, इस तरह की चीज़ें पेपरों में आ जाती है। और I मैक्सिमम बटा पाई 10 में √2 का भाग देना, सॉरी, √2 का मान होता है 1.414, और जब आप 10 में 1.414 का भाग देते हैं तो ये आपका उत्तर आएगा 0.707, ठीक है, यानी 7.07 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बताओ बात समझ में आई क्या? ये थे 4 क्वेश्चन आपके रेक्टिफायर से, यानी टोटल आज की क्लास में अपने 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, हाफ वेव में DC धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हाफ वेव में धारा का RMS मान कैसे ज्ञात करेंगे, फुल वेव में धारा का DC मान कैसे ज्ञात करेंगे, फुल वेव में धारा का RMS मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको 1, 2, 3 और 4, ये 4 फॉर्मूले लिखने हैं। जैसे ही 4 फॉर्मूले आप लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें कवरअप हो जाएगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज का ध्यान रख लेना। PMMC एमीटर जुड़ा हुआ है, PMMC वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब तो वो DC की बात कर रहा है। और AC एमीटर जुड़ा हुआ है या इंडक्शन एमीटर जुड़ा हुआ है, तब उसका मतलब है कि वो RMS मान की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के न्यूमेरिकल क्लास के हमारे क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। हाँ, वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए।